उसको देखने से पहले एक चीज ये समझ लो कि रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन का क्या मतलब है। रोटेशन क्या होता है सबको पता है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। एंड मूवमेंट क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन, अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन। अब हम देखेंगे इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, जब पृथ्वी सूरज के रेस्पेक्ट में अपने ही प्लेस पर घूमती है, तो जिधर सूरज की रोशनी पड़ती है उधर क्या होता है डे, और जिधर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है उधर क्या होता है नाइट होता है। जस्ट लाइक दैट हम बात करेंगे मौसम की। ये जो हमारा मौसम बदल जाता है, कभी ठंडक आ गई, कभी बरसात आ गया, कभी विंटर है, कभी समर है, कभी स्प्रिंग है, कभी ऑटम है, तो मेनली चार हमारे इंडिया के अंदर या हमारे पृथ्वी पर देखे गए हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये चार प्रकार के मौसम अभी तक देखे गए हैं, होते और हैं दो तीन, लेकिन इसके हम सिर्फ चार ही को पढ़ेंगे। ये चार कैसे आते हैं पृथ्वी पर, क्या होते हैं, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। और ये जो मौसम का बदलाव होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी के चारों पृथ्वी का चारों तरफ सूरज के घूमना, परिक्रमा करना ही जो है मौसम में बदलाव लाता। इतनी चीज क्लियर ना। अब हमने देखा है कि हमारे जो पृथ्वी है वो एक दिन में कितने रिवॉल्यूशन करती है, आवर रिवॉल्यूशन, सॉरी वन इन वन ईयर कितना डेज लगाती है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, 365.1242 या फिर 1/4 ऑफ दैट डे पर, इसमें से 365 डेज मानते हैं कि हमारे पृथ्वी टोटल लगाती है चक्कर लगाने, परिक्रमा लगाने। अब इसमें सबसे पहले एक वर्ड आता है सोलस्टिस। सोलस्टिस क्या होता है, सोलस्टिस एक ऐसा दिन होता है जिसमें दिन बहुत लंबा होगा तो रात बहुत छोटी होती है, और जब रात बहुत लंबी होती है तो दिन बहुत छोटा होता है, यही कहलाता है हमारा सोलस्टिस। लॉन्ग डे शॉर्ट नाइट, शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट, दैट इज कॉल्ड सोलस्टिस। ये सोलस्टिस जो है, सोलस्टिस रिफर्स लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट, और शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट। ये इतनी चीज क्लियर हो गई सोलस्टिस क्या होता है। अब देखो, अब ये ऊपर लिखा हुआ है समर सोलस्टिस, तो समर सोलस्टिस क्या है, मींस कि कोई एक ऐसा दिन गर्मी का, गर्मी में एक ऐसा दिन जिस दिन दिन बहुत ज्यादा लंबा हो और रात बहुत ज्यादा छोटी। अब ये कब आता है, 21 जून को आता है। तो गर्मी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मी होती है, हमारा पृथ्वी हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हिस्सा, इक्वेटर के नीचे साउदर्न हिस्सा, तो ये कैसे आता है समर सोलस्टिस 21 जून को आता है, ये कब आता है, कैसे आता है। ये देखो, ये हमारा सूरज है, ये हमारी पृथ्वी, सूरज की जो रोशनी है वो कहाँ पड़ रही है, याद रखो सूरज की रोशनी पूरे साल में केवल दो बार ऐसा आता है कि इक्वेटर पर पड़ता है, कहाँ पड़ता है, इक्वेटर पर पड़ता है, अदरवाइज हमारी पृथ्वी थोड़ी सी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्ट है सन के रेस्पेक्ट में, इस वजह से हमारे सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्टली या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है। तो वही हम देखेंगे कब कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है और कब कैंसर पर पड़ती है। अभी ये हमारा फिगर है, हमारी फिगर में पृथ्वी थोड़ी सी टिल्ट है 23.5 डिग्री। अब देखो सबसे सीधी रोशनी कहाँ जा रही है, कैंसर पे आ रही है, ये है आ रही है, लेकिन यहाँ से अगर देखो तो तिरछी आ रही है और हल्की आ रही है, जिस वजह से क्या होगा, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में
ज्यादा रोशनी हमें मिलेगी, सनलाइट सबसे ज्यादा मिलेगी। इस वजह से जहां पे सनलाइट ज्यादा मिलेगी वहां पे क्या होगा, समर होगा। क्या होगा? समर होगा। तो हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ने की वजह से हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो कैसा होता है, वहां पे क्या फील की जाती है, समर फील की जाती है, समर एक्सपीरियंस करते हैं लोग। और ये अगर हम अपना न्यूट्रिशन लाइन बनाए, न्यूट्रिशन लाइन जो है हमारा वो क्या शो कर रहा है, ये हमारे नॉर्थ पोल को शो कर रहा है। ये नॉर्थ पोल पर भी रोशनी क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ने की वजह से पर्याप्त मात्रा में पूरी रोशनी कहाँ पड़ती है, हमारे इस नॉर्थ पोल पर भी पड़ती है। तो नॉर्थ पोल पर भी थोड़ी बहुत गर्मी फील करने को मिलता है, जिस वजह से इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा का पूरा क्या होता है, दिन होता है और गर्मी हमें महसूस होती है। तो इस टाइम एक दिन ऐसा होता है जिसमें हमें बहुत ज्यादा, दिन जो होती है वो बहुत लंबी होती है और रात जो होती है बहुत छोटी होती है। वो कौन सा ऐसा दिन होता है, 21 जून। 21 जून हमारे समर का समर सोल्स्टिस कहलाता है। क्या कहलाता है, समर सोल्स्टिस कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इस दिन हमारे पृथ्वी पर दिन ज्यादा होता है। किस हिस्से में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैं केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी एक्सपीरियंस किया जा रहा है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या किया जाएगा भाई, देखो यहाँ तक तो लगभग आएगी रोशनी, यहाँ तक आ रही है, थोड़ी बहुत तिरछी जा रही है लेकिन जा रही है। तो थोड़ा बहुत गर्मी भी रहेगा, थोड़ा बहुत ठंडा भी रहेगा। जैसे जैसे हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल पर बहुत अच्छी रोशनी मिल रही थी, तो गर्मी थी, ठीक है, डे था। लेकिन यहाँ पर क्या है, रोशनी नहीं पहुंच रही है। यहाँ पे जब रोशनी नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या होगा, रात होगा, और रात होगा तो फिर मौसम कैसा होगा, विंटर होगा। जब समर सोल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है। और साउदर्न पोल, साउथ पोल पर क्या होता है, नाइट होता है। यही हमारा समर सोल्स्टिस कहता है। अब ये जब घूम करके यहाँ आए या उसके बाद यहाँ पहुंचा, तब क्या है, अब हमारा टिल्ट ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे टिल्ट था तो यहाँ ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे टिल्ट तो होगा नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो हमारा सन वो सॉरी अर्थ है, ये ऐसे ही टिल्ट रहेगा। अब कहाँ जा रही है रोशनी सबसे ज्यादा, कैप्रिकॉर्न सीधे पड़ रहा है सूरज के, एकदम सीधे पड़ रहा है। देखो ये पूरी रोशनी सीधे पड़ रही है कहाँ पे, कैप्रिकॉर्न पे। तो जब पृथ्वी सन की लाइट कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्टली पड़ती है तो वहां पर जो है गर्मी आ जाती है। और कैप्रिकॉर्न कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जब यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये इक्वेटर और इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर, जब यहाँ पर लाइट सबसे ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ पर क्या फील होगा, जिसकी वजह से ये हमारा अगर इंफॉर्मेशन लाइन बनाते हैं तो साउथ पोल पर भी क्या होगा, डे रहेगा। लेकिन उसी के रेस्पेक्ट में अब यहाँ पर भी जा रही है, मान लो यहाँ पर गई, उसके बाद फिर यहाँ पे एकदम लाइट नहीं आ रही है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल पर अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। इसी वजह से कहते हैं 6 महीना रात 6 महीना दिन होता है। इसके अलावा ये जो हमारी लाइट है सन की, वो सीधे कहाँ पड़ रही है, कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है। कैप्रिकॉर्न पर पड़ने की वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर में वहां पर क्या फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, इस हिस्से में समर फील होगा। जहाँ पे सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगी वहां पे क्या फील होगा, समर फील होगा। तो जब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर फील होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या फील होगा, विंटर फील होगा। तो विंटर में एक ऐसा दिन होता है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर हमारा एक ऐसा दिन होता है जिस दिन रात बहुत लंबी होती है और दिन बहुत शॉर्ट होता है। डे विल बी शॉर्ट एंड नाइट विल बी लॉन्ग ऑन 22 दिसंबर एंड दैट इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस। क्या कहलाता है, विंटर सोल्स्टिस कहलाता है। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे इक्विनॉक्स को। इक्वी मींस होता है इक्वेटर,
इक्विमेंटर और नॉक्स से बनाया है लाइट, ठीक है। तो इक्विनॉक्स में होता क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ समर आया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ विंटर आया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर जस्ट अपोजिट होगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो साउथ में समर, साउथ में नॉर्थ में समर है तो साउथ में विंटर। अब यही रोशनी जब डायरेक्टली हमारे इक्वेटर पर गिरेगी, दो बार ऐसा होता है पूरे साल में जब हमारे सन की जो लाइट है एकदम डायरेक्टली हमारे इक्वेटर पर गिरेगी, तो क्या होगा, इक्वेटर पर गिरने की वजह से क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी, ये होगा क्या, पृथ्वी के सभी हिस्से में बराबर लाइट पड़ रही है, क्या हो रहा है, सभी हिस्से में बराबर लाइट पड़ रही है, भाई साउथ साउथ में भी पड़ रही है, नॉर्थ में भी पड़ रही है, ईस्ट में भी पड़ रही है, वेस्ट में भी पड़ रही है, चारों तरफ रोशनी जो होगी सनलाइट की वो प्रॉपर वे में पड़ेगी, इक्वल पार्ट में पड़ेगी, और इस वजह से हमारा दिन और रात दोनों क्या होगा, एक बराबर होगा। मान लो छह घंटे का दिन है तो छह घंटे की रात का से तो होना नहीं है, छह घंटे की दिन होगी की रात होगी, बारह बारह घंटे में बांट देंगे, ठीक है, तो बारह घंटे की रात और बारह घंटे की दिन होगी। सेम है यहाँ भी होता है 23 सितंबर, तो हमारे यहाँ 23 सितंबर में क्या आता है, ऑटम आता है, क्या आता है, ऑटम ऑटम आता है, क्या आता है, ऑटम आता है। इस ऑटम में क्या होता है, पतझड़ आता है, ये कब आता है ऑटम, 23 सितंबर, 21 सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो मौसम होता है पतझड़ होता है, इस वजह से पेड़ों की पत्तियां देखो गिर जाती है। एंड जब 21 मार्च होता है तब कौन सा मौसम आता है, तब आता है हमारा स्प्रिंग, क्या आता है, स्प्रिंग आता है, और ये स्प्रिंग क्या 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 लेकर आता है, नए नए पत्तों को लेकर आता है, मतलब ठंडक में ओले पाले पड़ते हैं, इस वजह से पेड़ अच्छी तरह से डेवलप होते नहीं है, लेकिन जब वापस मार्च आता है तो देखो आम के पेड़ पे बौर वगैरह, तो यही आपका इक्विनॉक्स कहलाता है। इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो है जब इक्वेटर पर सीधी रोशनी लाइट पड़ेगी सन की, तो उससे क्या होगा, क्या होगा, जो हमारी पूरी लाइट पड़ेगी तो दोनों तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सभी तरफ पृथ्वी पर दिन और रात क्या होगी, एक बराबर होगी, और सोलस्टिस में क्या होगा, जो है दिन लंबा रात छोटी, समर सोलस्टिस, और रात लंबी दिन छोटा तो विंटर सोलस्टिस होगा। नॉट इज क्लियर, अभी क्लियर हो गया। अब हमारे यहाँ पृथ्वी पर समर सोलस्टिस कब लगता है, पूरे वर्ल्ड में 21 जून, और इक्विनॉक्स कब आता है, ऑटम का 23 सितंबर, विंटर सोलस्टिस कब लगता है 22 दिसंबर, एंड स्प्रिंग में जब इक्विनॉक्स आता है तो कब लगता है 21 मार्च। यही आपका ये कॉन्सेप्ट था, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। Now it is clear.